हमें लग रहा है कि 25% हो या कितने % हमारा ही चयन होना है अटलरी सेंटर में। संडे को हमारी हर हॉबी के हिसाब से हमें गेम होते हैं, मूवी होती है, हर चीज़ है, खाने की हम बहुत अच्छी सुविधा है। बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हम अग्निवीर फर्स्ट बैच के एक अभिन्न अंग बने हैं, काबिल हो पाए। आर्मी में जाने का सर हमारा सपना था और अग्निवीर आ गई, हमें उससे ज़्यादा और भी खुशी मिली। के माध्यम से अग्निवीर को मार्चिंग, लूटिंग, राइफल ड्रिल और डिसिप्लिन के बारे में बताया जाता है। बुलेट इनका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है। ये देश के शूरवीरों की नई पौध है। हौसला इतना कि देश के दुश्मनों के लिए साक्षात काल बनने को तैयार है। आज डीएनए की टीम उन वीरों के बीच पहुंची है जिन्हें 31 हफ्ते की ट्रेनिंग में तप कर फौलाद बनना है। हैदराबाद की जमीन पर दुश्मनों को धूल चटाने के लिए नए शूरवीरों की ट्रेनिंग चल रही है। गोलकोंडा आर्टलरी सेंटर में अग्निवीरों के पहले बैच के 2,265 जवान कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं। रनिंग से लेकर रोलिंग तक, वेपन ट्रेनिंग से लेकर युद्ध की रणनीति समझने तक, ये अग्निवीर दुश्मन को हराने की सारी कलाएं सीख रहे हैं। इस ट्रेनिंग सेंटर में शामिल अग्निवीरों को सैनिकों को मिलने वाली किट भी मुहैया करवाई है। इसमें वर्दी, जूते, बेल्ट, निजी जरूरतों का सामान और बेड शामिल है। इन अग्निवीरों को मिलने वाली मिलिट्री ट्रेनिंग को खास तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें 10 हफ्तों की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी जिसमें बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग, हथियार चलाने की ट्रेनिंग, ड्रिल और बेसिक फाउंडेशन शामिल है। इसके बाद इन अग्निवीरों को 21 हफ्ते की एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें इन्हें दुश्मनों से लड़ने की खास तकनीक सिखाई जाएगी जिससे ये भारतीय सेना के हिसाब से। इस ट्रेनिंग सेंटर में अग्निवीरों को सुबह 4 बजे ही उठना होता है। सारे काम निपटाकर सुबह 6 बजे हर हाल में इन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचना होता है। यहां से इनकी बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग की शुरुआत हो जाती है। बीच में 1 घंटे के आराम के बाद अग्निवीरों की बेसिक फाउंडेशन क्लास शुरू होती है। इसमें इनको सेना से जुड़ी बेसिक जानकारी, युद्ध से जुड़ी रणनीतियों की बारीकियां सिखाई जाती हैं। यहीं पर उन्हें देश के संविधान के बारे में भी बताया जाता है ताकि ये बेहतरीन सैनिक के साथ साथ देश के अच्छे नागरिक की भूमिका भी निभा सके। अग्निवीरों के लिए फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ उनके मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया है। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद ये अपने मनपसंद खेलों में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद रात होने पर इनकी नाइट ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सेना में शामिल होने आए ये अग्निवीर डिजिटल दुनिया को समझते हैं, इसलिए इनके इंस्ट्रक्टर भी इस बात से खुश हैं कि उनको बेसिक जानकारी पहले से है। राजस्थान के श्री गंगानगर के राकेश भी उन्हीं अग्निवीरों में शामिल हैं जो गोलकोंडा आर्टलरी सेंटर में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के गुर सीख रहे हैं। अग्निवीर राकेश को पता है कि उनकी ये ट्रेनिंग हर तरह से उन्हें सक्षम बनाएगी, इसलिए भी फर्स्ट बैच के अग्निवीर बनने पर गर्व भी है। अग्निवीर स्कीम में आके हमें बहुत अच्छा लगा है। सपना पहले से यही था भी जाना आर्मी में ही है। अग्निवीर स्कीम है, हमें बहुत अच्छा लगा भी, हम जैसे और युवाओं को भी यहाँ आर्मी में आने का मौका मिलेगा। और जो काबिलियत रखता है वो 25% जाएगा, हम काबिलियत रखते हैं, हम 25% जाके इंडियन आर्मी का एक अभिन्न हिस्सा बने हैं। हम यहाँ तक आए हैं ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हम अग्निवीर फर्स्ट बैच के एक अभिन्न अंग बने हैं। अग्निवीर आयुष पांडे को इस बात का सुकून है कि इस सेंटर में हर तरह की सुविधा है। किस प्रकार की ट्रेनिंग आप यहाँ पर कर रहे हैं और कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर, हम आर्टलरी सेंटर में आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो हमें नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं और हम नई नई चीज़ों को सीखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अग्निवीर के फर्स्ट बैच में हमारा चयन हुआ, हमें और भी अच्छा लग रहा है। हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो हमें फर्स्ट वीक में ही इतना अच्छा एडवाइस दिए और हम इतना ज़्यादा अचीव कर चुके हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आर्टलरी सेंटर हमारा पूरा ध्यान रख रहा है और जैसा संडे को हमारी हर हॉबी के हिसाब से हमें गेम होते हैं, मूवी होती है, हर चीज़ है, खाने की हम बहुत अच्छी सुविधा है, जैसा हर चीज़ कंटीन सुविधा है, जिस लड़के को किसी चीज़ की कमी नहीं है, पूरा सब चीज़ यहाँ पूरा किया जा रहा है।
ट्रेनिंग के लिए आए इन सभी अग्निवीरों में एक बात कॉमन है, वो ये कि देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने से भी ये पीछे नहीं हटेंगे। प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया हैदराबाद। सोल्जर बनाने में ड्रिल का काफी महत्व है। आर्मर कोर सेंटर एंड स्कूल में ड्रिल के माध्यम से अग्निवीर को मार्चिंग, सलूटिंग, राइफल ड्रिल और डिसिप्लिन के बारे में बताया जाता है। ड्रिल के माध्यम से अग्निवीर के अंदर देश के प्रति जोश और जज्बा भरा जाता है। धन्यवाद। सुमन की सेना से लोहा लेने के लिए एक अग्निवीर को यहां पर टैंक की ट्रेनिंग के साथ साथ सेकेंड आर्मेंट की ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि एक अग्निवीर लड़ाई के दौरान दुश्मन की पैदल सेना को बर्बाद कर सके।